चलिए आज हम लोग फिर से सौर मंडल का जो अगला भाग है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। सौर मंडल की कुछ बातें हम लोग किया था पिछले क्लास में, आज सौर मंडल की मुखिया के बारे में बात करेंगे। बताइए सौर मंडल का मुखिया किसे कहते हैं? सूर्य मंडल। सौर मंडल का मुखिया किसे कहते हैं? सूर्य। क्या कहते हैं मुखिया, थोड़ा वो सीखना है। सौर मंडल के केंद्र में सूर्य होता है। अगर सौर मंडल बनाया जाए तो अगर ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर ये एक कक्षा है, इसी कक्षा में ग्रह और उपग्रह होते हैं। जैसे जैसे यहाँ मान लीजिए बुध है ना, यहाँ बुध है, और इसी तरीके से कहने का मतलब ये है कि जितने भी ग्रह हैं या उपग्रह हैं वो इसी कक्षा में रोटेट करते रहते, घूमते रहते सारे ग्रह घूमता रहता है। उपग्रह ग्रह के चारों ओर घूमेगा, लेकिन ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमता है। हम एक चीज बताए हुए हैं कि सूर्य क्या एक तारा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रह तारे के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में घूमती है। क्लियर है? सूर्य क्या है आदि, ग्रह क्या होता है, तो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगा, सूर्य को तारा भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ग्रह जो है वो क्या है, तो ग्रह जो है वह तारे के चारों ओर चक्कर लगा। लेकिन वो तारा उसके परिवार का होना चाहिए, तो सौर मंडल एक परिवार है जिसका मुखिया सूर्य है, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है ग्रह। इसीलिए जब ये चक्कर लगाता है, कोई मान लीजिए यहाँ पर ये पृथ्वी अभी यहाँ नहीं है, पृथ्वी यहाँ पर है, ये मंगल यहाँ पर भी नहीं है, मंगल अभी मान लीजिए यहाँ पर है, तो ये एक देख रहे हैं ये कक्षा है, कक्षा के बीच में है सूर्य, इसीलिए इसको क्या कहते हैं मुखिया। क्लियर है? यहाँ लिखा है सूर्य सौर मंडल के केंद्र में अवस्थित है, और सूर्य को सौर मंडल का मुखिया कहते हैं। सूर्य एक निश्चित गैस का गोला है, मतलब सूर्य गैस से भरा है, वहां पर जो कुछ भी है वह गैस के रूप में है। पिछली कक्षा में चर्चा किया थी, यहाँ फिर से रिमाइंड अप करें कि जितने भी ग्रह या उपग्रह है वह पहले सूर्य का ही अंग था, सूर्य का ही भाग था, या सूर्य का कि गोला जो गैस का है उसी में समाहित था सारा चीज। एक बार विस्फोट हुआ सूर्य के अंदर में और उसके भाग अलग हो गए, कुछ कुछ जो अलग हुए वह भी उस तरह एक सूर्य के कक्षा में घूमने लगा, और सूर्य से दूरी होने के कारण वह धीरे धीरे ठंडा हुआ, तो जब ठंडा हुआ वो ठोस रूप धारण कर लिया, समझ रहे हैं। तो आज हमारा पृथ्वी है या शुक्र है या मंगल है या बृहस्पति है, ये सारे जो ठंडा है, समझ रहे हैं, ठंड होकर के वह ठोस रूप धारण कर लिया है, वो जितने भी ग्रह हैं वह ठोस रूप में रूप धारण किए हुए हैं। एक चीज बता दें, थोड़ा सा शनि के बारे में भी जान लीजिए, अभी आगे भी करेंगे हम लोग। शनि में गैस का एक रिंग अभी भी है, है ना, उसका चाय करेंगे हम लोग। शनि में गैस का रिंग अभी भी है, बाकी तो ठंडा है जिसके कारण ठोस रूप धारण कर लिया। ओके, तो ये कह रहे थे कि सूर्य एक विशाल गैस का गोला है। अब सूर्य में क्या सब है, तो उष्मा एवं प्रकाश में कितना तीव्र, बहुत ज्यादा, कितना ज्यादा, तो सूर्य के सतह का तापमान कितना है पता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। इसको भी नोट कर लीजिए, सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना ज्यादा टेम्परेचर है। हम लोग 100 डिग्री
तापमान पर पानी खोलने लगता है, आप क्या उसमें हाथ डाल सकते हो? जल जाएगा। आइए कितना है? ये ऐसा तापमान है कि लोहों को भी पिघला करके द्रव अवस्था या गैस अवस्था में पहुंच जाते हैं। समझ रहे हैं? हमारी पृथ्वी तो ठंड है, लेकिन पृथ्वी में अभी भी गर्मी है। वो जो टूट का लग हुआ, तभी तो कहते हैं पृथ्वी के नीचे जो जो गहराई में जाते हैं तो गर्मी बढ़ती है। कितना बढ़ती है? क्या स्केल एक तो माना गया है कि प्रति 32 मीटर की गहराई में नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। कितना? प्रति 32 मीटर की गहराई में जाने पर, या नहीं जाना छोड़ो, गहराई में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। कहां पर भाई? ये पृथ्वी में ना? जी सर, पृथ्वी में प्रति 32 मीटर गहराई में 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ता है। हमें याद रखना है 1 डिग्री तापमान वृद्धि होता है 32 मीटर की प्रति 32 मीटर की गहराई में। समझ रहे हैं? आप भी जब नोट्स बनाते हैं तो कॉपी पे इस तरह से कुछ हाइलाइटिंग करने का काम करेंगे। ये इसलिए करते हैं कि जब आप रिवीजन करते हैं, कॉपी को पढ़ते हैं, तो सारे लाइन को नहीं भी पढ़ेंगे, केवल यहाँ ध्यान जाएगा 32 मीटर केवल देख लोगे आप, तो आपके दिमाग में सारा फिल्म अपने आप चलने लगेगा। यानी जैसे देखें 32 मीटर की गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है, वो याद आ जाएगा। तो अगर वो याद आ जाता है तो वो याद अस्थाई मिले होगा, यानी वो ऐसा याद हुआ कि फिर जीवन में नहीं भूल पाए। तो रिवीजन का एक ऐसा माध्यम है कि हम अस्थाई कहते परमानेंट मेमोरी में डाल दिया, ऐसा में डाल दिया कि कभी अब वो भूलने वाले हम नहीं है। अभी पढ़ लिया कल भूल जाएंगे, लेकिन उसका रिवीजन होना चाहिए, बार बार उसको हम लोग देखें। तो देखने के क्रम में कम समय में ज्यादा हम रिवीजन कर ले तो वहाँ लैंग्वेज कम पढ़ना पड़े हमको, किताब का, कॉपी का, नोटबुक का, केवल मूल जो पॉइंट है वो पॉइंट आप देखो और सारा लैंग्वेज अपने आप अगर ब्रेन में बनना शुरू हो जाता है, इसका मतलब ये बात आपके दिमाग में परमानेंटली बैठ गई है। और जब भी हम पढ़ते हैं कहते हैं कि प्रति 32 मीटर, आप अपना मन में याद नहीं आ रहा है क्या है 32 मीटर वाला बात, ये समझो याद नहीं हुआ। अगर जैसे 32 मीटर हुआ तो फटाक से याद आ जाओ, 32 मीटर की गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ती जाती है। नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पर हाईलाइट करते हैं। यहाँ क्या है? सूर्य सौरमंडल के केंद्र में अवस्थित है। बस केंद्र देखेंगे, समझ गए, ओ सूर्य की बात चर्चा हो रही है, सूर्य जो सौरमंडल के बीच में है। फिर यहाँ देखेंगे मुखिया, सौरमंडल का मुखिया कहते हैं सूर्य को, अपने आप याद हो गया। गैस का गोला, कौन है गैस का गोला? सूर्य है गैस का गोला। आगे देखते हैं, सूर्य से तीव्र ऊष्मा एवं प्रकाश निकलता है। समझ रहे हैं? अब सूर्य से जो ऊष्मा और प्रकाश निकलता है, तीव्र मतलब बहुत ज्यादा, हमने दिखाया कि उसके सतह का तापमान अगर देखा जाए तो 6000 डिग्री सेल्सियस है। अब देखिए एक चीज, सूर्य के वो जो प्रकाश है और ऊष्मा है, केवल सौरमंडल में, ध्यान दीजिए ठीक से, सौरमंडल में केवल सूर्य ही एक ऐसा सदस्य है सौरमंडल का, सूर्य ही एक ऐसा सदस्य है जिसके पास में ऊष्मा और प्रकाश है, बाकी और किसी सौरमंडल के सदस्य हैं ग्रह, चाहे उपग्रह, चाहे हम कह रहे थे उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, जो भी, इन सबों के पास में अपना प्रकाश नहीं है, न ही इसके पास में अपना तापमान है। ये तापमान गर्मी अब महसूस करो ना, अपनी धरती पर ही, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, गर्मी के समय गर्मी आती है, गर्मी कहां से आती है?
दिन उजाला होता है, कहां से प्रकाश आती है? तो केवल सूर्य ही एक ऐसा सौरमंडल का सदस्य है जिसके पास में प्रकाश भी है और उष्मा भी, तापमान भी है। उष्मा और या तापमान दोनों है, केवल सूर्य ही एक ऐसा नहीं तारा सदस्य है। सूर्य एक तारा है लेकिन सौरमंडल के परिवार का एक सदस्य है, और वो भी मुखिया है, और मुखिया के पास में पावर है। नहीं, कौन कौन सा पावर है? प्रकाश का, और कौन सी का? उष्मा का। एक और पावर है, एक पावर और है, बताइए कौन सा पावर होगा? नहीं, वो बोला, वो कैसे पावर हो सकता है? देखिए, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह जो चक्कर लगाते हैं, ये यहाँ चक्कर को कक्षा को छोड़ के भाग क्यों नहीं जाता? सवाल बनता है ना, क्यों इसके चक्कर चारों ओर लगाता रहता है, भाग क्यों नहीं जाता है? एक छोर भाग गया था, भाग गया 2006 में, प्लूटो भाग गया, नहीं भाग गया, उसे भगा दिया गया। कहने का मतलब ये है कि प्लूटो जो पहले हमारे सौरमंडल में नौ ग्रह में नौवां ग्रह के रूप में गिनती होती थी, जो सूर्य से सबसे दूर में अवस्थित था, उस ग्रह को, वह ग्रह का कुछ लक्षण अच्छा नहीं था। अच्छा रहने का मतलब क्या है कि जो उनकी कक्षा जो थी वो निश्चित नहीं थी, कभी वो ऐसे घुस जाए तो कभी वो ऐसे भाग जाए, निश्चित नहीं है। जबकि ग्रह का काम है कि सूर्य के चारों ओर अपनी निश्चित कक्षा में, क्या? हाँ, एक निश्चित कक्षा में वो घूमेगा। तो ये बदमाशी कर रहा था, मतलब वो ग्रह का लक्षण नहीं था, उसको क्या किया गया? विद्वान लोग बैठे सम्मेलन में, विद्वान मतलब खगोलविद, भूगोल के या ग्रह नक्षत्रों के, ग्रह नक्षत्रों के विद्वान को, विशेषज्ञ को खगोलविद कहा जाता है। खगोलविद मतलब खगोल का विद्वान, क्या बोलेंगे? हम यहाँ लिखेंगे, याद रखेंगे, सबको क्या बोल रहे हैं वो सब याद रखेंगे। खगोल विद, हाँ, पहले यहाँ बोल सकते हैं खगोल विद, किसको कहते हैं हम लोग? ग्रह खगोलिए, ऐसे कहेंगे इसको। खगोलिए पिंड के अध्ययन नहीं कहेंगे, के विद्वान कह सकते हैं या विशेषज्ञ, है ना? यस सर। खगोलिए पिंड के जो विशेषज्ञ होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? खगोल विद कहते हैं। और यही खगोल विदों ने 24 अगस्त था ना, 24 अगस्त 2006 को क्या किया? तो नहीं, प्लूटो वो ग्रह की श्रेणी से, ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। समझ में आ रही बात? ये पॉइंट नोट करेंगे, 24 अगस्त 2006 प्लूटो को, प्लूटो ही ग्रह की श्रेणी में से हटा दिया गया। ठीक है ना, प्लूटो अब ग्रह नहीं है, तो वो क्या हो सकता है? वह क्षुद्र ग्रह हो सकता है, नहीं ग्रह के लक्षण नहीं है तो क्षुद्र ग्रह में चले गए। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? जो अपने रास्ते, उसकी रास्ता फिक्स नहीं होती है,
नहीं yes, ये चीज चलिए ओके। तो हम कह रहे थे कि सूर्य के पास में उष्मा एवं प्रकाश होता है, लेकिन एक और बात सवाल हमने रखा था, ध्यान दिए होंगे कि सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षा में ग्रह क्यों चक्कर लगाती रहती है, छोड़ के भाग क्यों नहीं जाती है जैसे प्लूटो भाग गया। इसका जवाब ये है कि सूर्य के पास एक आकर्षण बल है जो सभी ग्रहों को खींच के रखती है। आई समझ बात, सूर्य के पास में एक आकर्षण बल है, एक खिंचाव बल है जो सभी ग्रहों को बांध के रखती है ना, एक निश्चित कक्षा में चलने के लिए चलने भर उसे बांध के रखती है। तो सूर्य के पास में एक और गुण आ गया, क्या आ गया, सूर्य के पास में उष्मा प्रकाश, और इसके बाद और क्या है इसके पास में, ग्रहों की बांधने की एक एक आकर्षण शक्ति भी है ना। इसको यहां लिख लेते हैं, सूर्य के पास ग्रहों को अपनी कक्षा में अपनी निश्चित कक्षा होगा ना, अपने निश्चित कक्षा में बांधने की एक आकर्षण शक्ति होती है या खिंचाव शक्ति है ना, खिंचाव बोलेंगे या आकर्षण आकर्षण शक्ति बल है, मतलब सूर्य के पास में क्या है, एक खिंचाव बल है। जैसे ही आपका ध्यान जाएगा खिंचाव बल पर, ध्यान देंगे तो आपका आपके दिमाग में वो बातें आ जाएगी कि वह ग्रह को बांध करके रखने वाला आकर्षण बल या खिंचाव बल सूर्य के पास में है। चलिए आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक आपके बारे में आपको सौरमंडल के जानने के लिए कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आपके सामने रखा, कुछ और बातें जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके थे कि सभी ग्रह उपग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं तथा उष्मा प्राप्त करते हैं। आप जानते हैं कि आपकी पृथ्वी पर जो गर्मी लगती है या तापमान मिलता है वो कहाँ से मिलता है, सूर्य से। ये प्रकाश जिस तरह से धरती पर पहुंच रही है इसी तरीके से और भी ग्रह पे पहुंच सकती है, है ना। चलिए, हालांकि इस ग्रहों का विभिन्न ग्रहों का सूर्य से विभिन्न दूरी के कारण इसकी मात्रा कम अधिक हो सकता है। नहीं, अगर मान लीजिए सूर्य के सबसे नजदीक में बुध है, हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा चमकीला ये बुध पर शुक्र है, है ना। चलिए, तो ये बात हम लोग भी समझ गए। दूसरी बात कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो संख्यात्मक मान जो हमें याद रखना है, दो बातें यहाँ याद रखना है, एक तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर, दूसरा यहीं पर याद करेंगे प्रकाश की चाल, प्रकाश की 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यहाँ ध्यान देंगे सेकेंड में ऐसे लिखे ना, इस चिन्ह को ध्यान दीजिए, ये ऐसा लाइन खींचने का मतलब है प्रति, है ना, यहाँ हमने प्रति नहीं लिखा किलोमीटर, ये लाइन जो खींच दिया इसका मतलब हो गया प्रति बाकी सेकेंड। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं और क्या है। इसी दूरी के कारण पृथ्वी पर
कम उष्मा पहुंच पाती है, दूरी कितना है 15 करोड़ किलोमीटर है जी सर, तो वहां से जितनी गर्मी निकलती है सारी गर्मी पृथ्वी पर यहां पहुंच जाए ये संभव नहीं, और यदि पहुंच जाए तो पृथ्वी पर जीवन होगा ही नहीं, इतनी गर्मी होगी जीवन तबाह हो जाएगा, जी सारा जीवन यहाँ गर्मी से जल जाएगा, तो जीवन का अस्तित्व भी नहीं रह पाएगा, है ना, दूरी के कारण कम पहुंचती है। सूर्य पृथ्वी से कई हजार गुना बड़ा है, लेकिन हमें यहां से सूर्य दिखता है इतना, बोलो क्यों, हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, दूरी होने के कारण हमें उसकी आकृति, सारे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आएंगे, छोटा है, दूरी होने के कारण मुझे कम आकृति छोटी दिखाई देती है, और दूरी होने के कारण पृथ्वी पर प्रकाश और उष्मा दोनों कम पहुंचती है ना, तथ्यों को ध्यान रखिए। आगे और देखते हैं, अब एक बात बताएं, ये ओजोन मंडल क्या है, इसकी चर्चा हम लोग अगले चैप्टर में 2-3-4 अध्याय में करेंगे, सातवीं में भी है, लेकिन यहाँ हम समझते हैं, हमारा जो धरती है, धरती के ऊपर विभिन्न वायु का स्तर बना हुआ है ना, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल, स्तर बना हुआ है हमारे पृथ्वी के ऊपर हवा का, हवा में क्या है तो विभिन्न तरह के गैसों का मिश्रण है हमारा वायु, लेकिन जो ही हम ऊपर जाते हैं एक ऐसा जगह आता है जहां पर केवल ओजोन गैस का ही लेयर है, इसलिए ओजोन गैस की प्रधानता होने के कारण उसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है, समझ में आ रही है बात, उसको ओजोन मंडल भी कहा जाता है। हमारे धरती से जैसे आगे बढ़ते हैं ना, संकोच करिए, ये हमारा धरती है, यहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हैं, ऊपर बढ़ते हैं, क्षोभ मंडल, यहाँ क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल, लेकिन क्षोभ मंडल के ही पार्ट में यहाँ पर एक ऐसा लेयर है जो हम कहते हैं इसको ओजोन मंडल। ओजोन मंडल क्यों कहते हैं, तो यहाँ पर ओजोन गैस की ही प्रधानता है, यहाँ केवल ओजोन गैस है। अब ओजोन गैस का एक गुण क्या है वो समझिए, अच्छा समझने की कोशिश कीजिए, कि सूर्य से जो भी प्रकाश या उष्मा निकल के आती है तो प्रकाश क्या है पहले इसको समझते हैं, प्रकाश एक तरंग है, एक तरंग है, प्रकाश एक तरंग के रूप में या किरण कहते हैं ना, वो हमारे पास किरण के रूप में पहुंचती है, ठीक है, तो वो जो तरंग है तो उस प्रकाश में विभिन्न तरंगों के किरण आते हैं, कुछ किरण ऐसे हैं जो हमारे जीव मंडल के लिए हानिकारक है, समझिए, कुछ ऐसे किरण सूर्य से निकलते हैं जो हानिकारक है हमारे लिए। ये ओजोन मंडल क्या करता है, जब सूर्य से यहाँ प्रकाश की किरण आती है ना यहाँ से, तो आने के क्रम में यहाँ पर ये उसे रोक लेती है, और केवल जो लाभदायक प्रकाश की किरण है उसी को धरती पर पहुंचाती है, केवल वही किरण धरती पे पहुंच पाता है जो हमारे लिए लाभदायक है, जो हानिकारक है वो हमारे पास में नहीं पहुँचती है। तो ये ओजोन परत अगर नहीं रहेगा तो धरती पर जीवन संभव नहीं है। ये क्या करता है, सो धरती पर प्रकाश, जो सूर्य की प्रकाश किरणें आती हैं, उसको फिल्टर करने का काम करती है, यानी उसके ओजोन गैस जो है ना, ओजोन जो गैस है वो हमारे लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है, नहीं कवच, कवच भी नहीं सीखेंगे आप लोग क्या, अरे कवच क्या होता है, जैसे राजा महाराजा पहले युद्ध करने के लिए जाते थे तो कवच पहन लेते थे, ताकि तीर अगर आए तो हमारे उसके शरीर में बेद करके उसको घायल नहीं करे, बल्कि यहीं से टकरा करके जवाब,
तो इसी तरह का कवच है ये ओजोन मंडल, जो सूर्य से आने वाले किरण को ये क्या करती है, तो रोक लेती है ना। तो निश्चित जो हमारे लिए आवश्यक है वही किरण आ रही है। अभी क्या हो रहा है, ये ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, समझिए ओजोन लेयर में क्या हो रहा है, छिद्र हो रहा है, छिद्र मतलब छेद हो रहा है। यानी यहाँ पर क्या है, तो सपोज ऐसे मान लो दस ऐसे बीच में ओजोन नहीं है, खाली हो गया, ऐसा क्यों होता है इसको भी सीखेंगे। हालांकि आठवीं कक्षा में भी है, यहाँ भी हम लोग देखेंगे। ये हम लोग जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC यह एक गैस है, जो गैस कहाँ पाया जाता है, यूज करते हैं हम लोग तो फ्रिज में, फ्रिज में यह गैस निकलता है। और ये गैस जब वायुमंडल में ऊपर जाता है तो यहाँ पर जाकर के इस ओजोन से प्रतिक्रिया करके, समझे, कुछ और चीज बना देता है और दूसरा रसायन बना देता है और यहाँ से ओजोन गायब हो गया। तो जब ये यहाँ से गायब हो गया तो सूर्य की खराब रोशनी इससे घुसना शुरू कर दिया। जब ये सूर्य से खराब रोशनी का आने का मतलब ये है, अल्ट्रा वायलेट रे बोलते हैं, है ना, एक्सरे किरण बोलते हैं। जैसे हम लोग जाते हैं एक्सरे कराने के लिए तो हड्डी का फोटो लेता है ना, एक्सरे किरण हमारे शरीर के अंदर घुसता है। लेकिन वो किरण अगर बहुत देर तक बहुत ज्यादा घुसेगा हमारे शरीर में तो क्षति पहुंचाएगा। अगर सूर्य की रोशनी से ये ओजोन मंडल से किरण प्रवेश कर जाती है तो क्या होगा, हमारे शरीर में भी विभिन्न तरह की बीमारियां आना शुरू हो, और इस अभी होना शुरू हो गया, स्किन कैंसर की मात्रा बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि लोग इतने ज्यादा फ्रिज का यूज कर रहे हैं। तो वायुमंडल में CFC, ये बोल रहे CFC का होता है फुल फॉर्म क्लोरो फ्लोरो कार्बन, क्लोरो कार्बन, अब इसका अंग्रेजी रासायनिक फॉर्मूला पर नहीं बताते हैं क्योंकि आप सबकी क्लास के साथ चलना है, लेकिन ये याद रखना है चीजें जो पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्लोरो फ्लोरो कार्बन क्या करता है, तो ओजोन में छेद करता है, नहीं क्लोरो फ्लोरो क्या करता है, तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, CFC क्या करता है, ओजोन परत में छेद कर देता है, छिद्र करता है, छिद्र, इससे क्या होता है, सूर्य से निकलने वाले कारण, सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरण पृथ्वी पर पहुंच जाती है। और इससे क्या होता है, इससे विभिन्न तरह की बीमारी उत्पन्न होती है ना, इससे विभिन्न तरह बीमारियां होती है। ये भी बताया हमने कि स्किन कैंसर की बीमारी जो ज्यादा बढ़ रही है, इसको भी याद रखेंगे हम लोग। स्किन कैंसर मतलब हुआ चमड़े में कैंसर पकड़ता है। हाँ, अभी आप देखेंगे यदि ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट खिलाड़ी को देखेंगे तो उस लोग देखेंगे कि मुंह पर जो है एक उजला पेस्ट लगा करता है। यस सर, वो लगाता है
तो जहां कोमल त्वचा है उस कोमल त्वचा पर यदि वो किरण आकर के अल्ट्रावायलेट रे, एक्स-रे, ये सब किरण यदि आ जाती है और जब यहां पहुंचता है तो इसको क्षति पहुंचा सकता है जी। है ना, हमारे ओठ का जो स्किन है वो बहुत कोमल है जी। तो उससे बचने के लिए वो उस पर क्रीम लगाते हैं। अब देखते हैं मार्केट में ना सन से इफेक्ट से बचने के लिए भी क्रीम आने लगा है। लोग धूप में निकल गए उससे पहले वो क्रीम का लेप लगाते हैं ताकि त्वचा खराब नहीं है ना। हम लोग आप लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं लेकिन जिनके पास में ज्यादा पैसा है वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से, जिनके पास में शिक्षा है, जो जानते हैं, जिनके पास में सामर्थ्य है, वो पेस्ट लगाते हैं। सन से बचने के लिए क्रीम आता है लगाने के लिए, वो भी लोग लगाते हैं। क्यों? तो आज सूर्य के प्रकाश के में ये ओजोन छिद्र से अल्ट्रावायलेट हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। कौन कौन सा चर्चा किया है हमने? एक्सरे है ना, यस सर, और अल्ट्रावायलेट है ना, एक और होता है, ये सब किरण को जानिए, आईआर इंफ्रारेड। इसको और अच्छा यहाँ पर लिख दे कहीं पर जगह को, इसको हम लोग थोड़ा सा निकाल लेते हैं। अल्ट्रा वायलेट ध्यान देंगे, यूवी को बोलते हैं अल्ट्रा इंफ्रा रेड, आई आर इंफ्रा रेड, यूवी अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे, ये सब किरण हानिकारक किरण है। और ये सारे किरण क्या हैं? तो धरती पर पहुंच जाती है और हमें क्षति पहुंचाती है। इससे बचने के लिए ओजोन लेयर की चर्चा कर दिया, बहुत ज्यादा कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में सभी ग्रह परिक्रमण करते हैं, यह कल भी चर्चा हमने किया था, अब पिछले कक्षा में चर्चा किया था, दो तरह की गति की चर्चा किया था, एक दैनिक गति जिसको घूर्णन गति कहते थे, एक वार्षिक गति जिसे परिक्रमण गति कहते थे, नहीं परिक्रमण गति या परिक्रमण गति कहते थे, है ना, इसकी चर्चा हम लोग किए थे। और अगले अध्याय में जब आएंगे तो वहां पर फिर पृथ्वी का जो है हम लोग पढ़ेंगे, पृथ्वी में उसकी अक्षांश देशांतर को पढ़ेंगे और उसकी दैनिक गति या वार्षिक गति को देखेंगे, उसके साथ समय का मापन देखेंगे, समय का मापन कैसे किया जाता है वो देखेंगे, और विभिन्न देशांतरों के बीच में समय का कितना अंतराल है वो भी देखेंगे। यदि कहते हैं कि इंग्लैंड में अगर 6 बज रहा है तो यहाँ कितना बजेगा, तो यदि वहां 6 बज रहा है शाम का तो यहाँ रात का होगा 11:30, 5.5 घंटे का समय का अंतर आ जाता है इंग्लैंड से यहाँ तक। तो ये सब भी हम लोग देखेंगे, अगले क्लास में देखेंगे। ओके।